ताना पुला विदर्भ में ही नहीं तो समूचे महाराष्ट्र में एक पारंपरिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसका इंतजार बाल गोपाल के साथ साथ बड़े बुजुर्ग भी करते हैं। विश्व में किसान और बैल को पालनहार करके माना जाता है। यह त्योहार छोटे बच्चों को बैलों और जानवरों का महत्व समझाने और जागरूकता की भावना पैदा करने के लिए शुरू किया गया था। इस त्योहार में बच्चे अपने लकड़ी के बैलों को पड़ोस और रिश्तेदारों के घर पर लेकर जाते हैं। बच्चे अपने बैलों को सजाकर ले जाते हैं और वहां से आशीर्वाद और उपहार लेकर जाते हैं। इन उपहारों को विदर्भ में बोजारा कहते हैं। पोरा फूटने से पहले बच्चों के किसान की वेशभूषा और बैलों की सजावट का निरीक्षण किया जाता है। ग्रीन सिटी पोर के इस समारोह में प्रमुख अतिथि वेड़ा हरिश्चंद्र की सरपंच प्रीति इंगले ने खूबसूरत बैल सजावट का निरीक्षण कर सबसे अच्छी सजावट और वेशभूषा प्रदर्शन करने वाले स्पर्धकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सरपंच प्रीति इंगले ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह त्योहार 218 साल से मनाया जा रहा है। इस त्योहार की शुरुआत नागपुर के दूसरे श्रीमंत राजे रघुजी महाराज भोसले ने की थी। ताना पोला की शुरुआत 1789 में नागपुर के श्रीमंत रघुजी महाराज भोसले द्वितीय ने की थी। और रघुजी महाराज का उद्देश्य बच्चों को बैलों के महत्व को समझाना था। उन्होंने बच्चों को लकड़ी के बैल बनाने और बांटने का कार्य शुरू किया ताकि बच्चे बैल और उनकी मेहनत के महत्व को जान सके। ग्रीन सिटी पोर के अध्यक्ष प्रमोद रोडकर, सचिव गोविंद राजुरकर और उनकी पूरी टीम ने ताना पोला समारोह का खूबसूरत आयोजन किया। तारापोळा आयोजित केलेला ताना होता। पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून आणि सामाजिक समतोल कायम राहावा या निमित्ताने आमच्या इथे दरवर्षी तानापोळा साजरा करण्यात येतो। त्याचप्रमाणे यावर्षीही आमच्याकडे तानापोळा आयोजित करण्यात आलेला असून सर्व महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात हा सण मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्यात येतो। त्याचप्रमाणे आमच्या म्हणजे विदर्भा रिजनमध्ये हा खूपच उत्साह साजरा करण्यात येतो। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी इथे आमच्या इथे ग्रीन सिटी फोरमध्ये छोट्या मुलांचा पोळा साजरा करण्यात आलेला आहे। खूप मोठ्या उत्साहाने छोटे छोटे मुलं आपले बैल घेऊन खूप छान छान डेकोरेशन करून नवीन नवीन वस्त्र परिधान करून खूप छान मज्जा आली। खूप छान म्हणजे त्यांना खेळाने वाटले, स्वीट मिळाले आणि तोरणे पताका फुगे लावण्यात आले। सगळे लोक एकत्रित येऊन मुलांचा आनंद उत्साह चांगला साजरा करण्यात आलेला आहे आणि अशा प्रमाणे आमच्या इथे पोळा साजरा करण्यात आला। ग्रीन सिटी फोन नागपूर से बेसिक न्यूज के लिए सुनील ताडे की स्पेशल रिपोर्ट।